हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PH क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के रासायनिक नामों को पढ़ेंगे और उनके रासायनिक सूत्रों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बताता चलूं, वैसे तो आप लोगों ने ये सारे ही पदार्थों के बारे में पढ़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको किसी पदार्थ का रासायनिक नाम पता है तो उनका अणु सूत्र नहीं पता, ठीक है, अर्थात रासायनिक सूत्र नहीं पता। अगर रासायनिक सूत्र पता है तो उनका रासायनिक नाम नहीं पता है। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मिट्टी के बारे में, ठीक है, आपने मिट्टी सभी ने देखी है, सभी जानते हैं मिट्टी है, रेत है, धूल है, ठीक है। लेकिन आप कोई जानते हैं, आप मुझे बता पाएंगे कि मिट्टी का सूत्र होता क्या है, ठीक है, मिट्टी का सूत्र क्या होता है, रेत का सूत्र क्या होता है, ठीक है, धूल का सूत्र क्या होता है, या मिट्टी का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर इससे अलग हटकर बात करता हूँ स्टूडेंट। देखिए, भारी हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, भारी जैसे आप जानते हैं कि साधारण हाइड्रोजन का जो सूत्र जो प्रतीक होता है वो H होता है, साधारण हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि भारी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, या अगर मैं बात आपसे कहूँ साधारण हाइड्रोजन से जब जल का एक अणु बनता है तो सूत्र होता है H2O, क्या होता है बेटा, H2O होता है। लेकिन जब भारी हाइड्रोजन जल का एक अणु बनाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, ये भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ पढ़ेंगे बेटा कि अंगूर का जो रस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर स्टैंड आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देखिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टैंड। सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है, देखिए, साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक का बेटा दूसरा नाम है टेबल साल्ट, टेबल साल्ट। अब टेबल साल्ट, इस साधारण नमक का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप कहीं होटल वगैरह में कहीं खाना खाने गए, ठीक है, या मान लीजिए शादी या किसी फंक्शन में गए, तो है तो कहते हैं जब खाना खाने की तैयारी होती है तो कहा जाता है कि चलो चलो टेबल लगाओ, टेबल लगाओ, टेबल लगाओ, ठीक है, टेबल का काय के लिए, खाना खाने के लिए। लेकिन जो भी खाना बना होता है स्टैंड, ठीक है, जो भी सब्जी बनी होती है उसके अंदर नमक मिला होता है, और नमक कौन सा होता है, इसके अंदर साधारण नमक होता है। बस समझ में आ रही मेरी बात, यानी जितने भी जितने प्रकार का खाना बनाया जाता है उसके अंदर मैक्सिमम में क्या होता है कि साधारण नमक मिला होता है, ठीक है, क्या मिला होता है, साधारण नमक, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, टेबल साल्ट। और आप जानते हैं साधारण नमक का, ठीक है, यानी टेबल साल्ट का जो रासायनिक नाम है क्या, सोडियम क्लोराइड है, सूत्र क्या है उसका, NaCl है। लेकिन ये तो बहुत हल्का सा एक लवण है, यानी इसके बारे में तो अधिकांश सभी विद्यार्थियों को पता ही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका दूसरा नाम, साधारण नमक का दूसरा नाम क्या बेटा, टेबल साल्ट भी है, टेबल साल्ट भी है। टेबल साल्ट का कहने का मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि कहीं शादी फंक्शन में खाने तैयारी होती है, टेबल लगाओ की बात चलती है, टेबल लगाओ जल्दी खाना तैयार हो रहा है, ठीक है, तो टेबल वहीं से ये शब्द लिया गया स्टैंड, ठीक है। तो साधारण नमक का आपका जो दूसरा नाम है वो टेबल साल्ट है, ठीक है। साधारण नाम, उसका रासायनिक नाम क्या बेटा, सोडियम क्लोराइड है, और सूत्र तो आप जानते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड स्टैंड, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं स्टैंड भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, ठीक है, भारी हाइड्रोजन आप जानते हैं, साधारण हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, साधारण हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, H होता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि भारी हाइड्रोजन क्या होता है, तो बेटा भारी हाइड्रोजन को हम कहते हैं बेटा ड्यूटेरियम, कहते हैं बेटा ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम कहते हैं। हम कैसे लिखते हैं बेटा, सिंबल कैसे लिखते हैं, हम डी से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि भारी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखें। लेकिन ये जो एच ही साधारण यानी नॉर्मल हाइड्रोजन है, साधारण हाइड्रोजन का सूत्र एच होता है, लेकिन भारी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है बेटा, आपका डी होता है, ठीक है, यानी इसका जो प्रतीक होता है वो डी होता है। चलिए, बात आपको समझ में आ चुकी होगी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, साधारण हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है, लेकिन भारी हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है बेटा क्या होता है, वो डी होता है, ठीक है, जिसे किस लिया गया है, ड्यूटेरियम शब्द से लिया गया है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा, देखिए क्या भारी जल, अगर देखिए साधारण जल की बात करते हैं, साधारण जल के लिए बात करते हैं, साधारण जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है बेटा, H2O, यानी जब साधारण हाइड्रोजन जल का एक अणु बनाती है बेटा तो किस पदार्थ बनता है, वो H2O के रूप में बनता है। लेकिन भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन जब भारी जल का एक अणु बनाएंगे तो किस रूप में होगा, D2O के रूप में होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अधिकांश छात्रों को पता नहीं होता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है बेटा, D2O होता है, क्या होता है बेटा, D2O। कौन बनाता है उसको, भारी हाइड्रोजन यानी D बनाता है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखो H2 यहाँ पे क्या है, D2, बात तो वही है स्टैंड, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी है, बात समझ में आ रही है मेरी बात, है ना आप लोगों को। तो यानी याद रखें भारी जल का सूत्र क्या होता है बेटा, D2O होता है, जबकि साधारण जल का सूत्र जो क्या होता है वो H2O होता है, H2O होता है, ठीक है स्टैंड। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और इसका रासायनिक नाम क्या बेटा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। बात करते थे कि रेत, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था रेत, ठीक है, रेता जो आप जानते हैं जो नदी से निकलता है, ठीक है,
रेत है, धूल है, आप जानते हैं डस्ट जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिलिका यानी मिट्टी, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बेटा SiO2। क्या होता है बेटा? SiO2। आज तक आपको अधिकांश छात्रों को पता नहीं होगा मिट्टी का सूत्र क्या होता है, क्या होता है? SiO2 होता है। हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिलिकन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिलिकन ऑक्साइड बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद रखना कि मिट्टी का सूत्र है, जो रेत का सूत्र था वही मिट्टी का सूत्र था, वही धूल का सूत्र था, वो क्या होता है बेटो? वो होता है आपका SiO2 यानी सिलिकन ऑक्साइड। ठीक है स्टैंड। अच्छा बात करते हैं आगे। देखिए अम्लराज, अम्लराज काफ़ी अच्छा, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता वाला है कि अम्लराज क्या होता है। तो देखिए बेटा अम्लराज होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl का एक मिश्रण होता है। बात समझे? यानी मैंने यहाँ लिखा, देखिए अम्लराज क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, ना का मतलब नाइट्रिक से, आ का मतलब अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण होता है, जिसमें इसका रेशियो जो रहता है, इसका जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है बेटा? 1:3 रहता है। यानी HNO3 क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड है और एच हाइड्रोजन क्लोराइड कितना है? वो इनका जो सूत्र है वो HCl होता है। यानी इनका जो मिश्रण है, इनका जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है? आपका अम्लराज कहलाता है। लेकिन स्पेशल बात क्या है इसके अंदर? जो आपका HNO3 होता है उसका जो रेशियो होता है 1 होता है, और जो आपका HCl होता है उसका जो रेशियो होता है वो 3 होता है। उम्मीद है कि मेरा क्वेश्चन में आ रही होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास कि अम्लराज की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 4 किलो, ठीक है, आपके पास क्या? अम्लराज है। तो 4 किलो में होगा क्या बेटा? 1 किलो कौन होगा? 1 किलो होगा आपका HNO3 और 3 किलो कौन होगा इसके अंदर? HCl होगा। तो इस प्रकार से देखा जाएगा कि जो मिश्रण कहलाएगा क्या कहलाएगा? आपका अम्लराज कहलाएगा। तो उम्मीद है कि मेरा क्वेश्चन में आई होगी। अम्लराज का जो ये इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं है, इसका एक मिश्रण होता है, किस चीज़ का? नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड रहता है आपका 1:1 के रूप में और HCl रहता है आपका 3:3 के रूप में। इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है आपका अम्लराज कहलाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना क्या होता है? देखिए बिना बुझा चूना जब देखिए घरों में जब पेंट किया जाता है तो मार्केट से आप चूना लेकर के आते हैं, जब चूना लेकर के आते हैं किसी भी बोरी के अंदर या कट्टे के अंदर, ठीक है, तो बिना बुझा चूना होता है, कहता है बेटा वो बिना बुझा चूना होता है। ठीक है, अब बिना बुझा चूने का सूत्र क्या होता है बेटा? CaO होता है। क्या होता है? CaO, बिना बुझा चूना। रासायनिक नाम क्या बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखें। और इसका जो सूत्र होता है CaO होता है, CaO। उम्मीद है मेरा आपको समझ आ रही होगी। यानी बिना बुझा चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या बेटा? CaO है। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, कैसे भी पूछ लिया जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, या बुझा चूना या चूने का पानी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब हम मार्केट से, ठीक है, जब चूना लेकर के आते हैं खरीद करके किसी बोरी के अंदर या कट्टे के अंदर, ठीक है, घरों में पेंट करने के लिए, तो उसको ला करके करते हैं हम किसी भी बर्तन के अंदर, रखते हैं, रखने के बाद उसके अंदर पानी मिलाते हैं, क्या बोलते हैं, पानी मिला देते हैं, तो क्या बनता है? वो पेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पेस्ट बन जाता है, जिसका यूज हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। बस समझ में आ रही है? उसी को बोलते हैं बेटा चूने का पानी, उसी को बोलते हैं चूने का पानी। उसका सूत्र क्या होता है बेटा? उसका चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH, दो बार लिख लो, या फिर इसका ऐसा समझ लो CaOH का होल टू वाइज। किसका सूत्र है? चूने का पानी का। रासायनिक नाम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना। देखो बिना बुझे चूने में क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जबकि चूने का पानी या बुझा चूना क्या है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यानी OH ग्रुप इसके अंदर आ रहा है। तो इसको या तो CaOH ऐसे बोल दीजिए, या फिर CaOH का होल टू वाइज बोल दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई। अब ये बनता कैसा है देखिए, इसको मैं अभी बना करके दिखाता हूँ। देखिए कैसा बनाएंगे, मार्केट से आप लेकर के आएंगे क्या? बिना बुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना क्या? CaO, देखिए CaO, ये क्या बेटा? बिना बुझा चूना, ठीक है। आप इसके अंदर क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जल। जल क्या होता है? H2O होता है, H2O, ठीक है, और मैंने इसको लिखा HOH समझाने के लिए, H2O ही है, एक H दो H2O हो जाएगा, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए इसको, ठीक है, CA आपको ऐसे उतार लीजिए, CA जो आपका है वो बिल्कुल आप ऐसी कॉपी कर लीजिए, CA ये वाला है, CA आपका बेटा ये आ गया। अब इसके बाद A और H, ये हो गया आपका OH हो गया बेटा, और एक ये क्या बचा, यानी ये वाला H इस O के साथ OH बन गया, और ये OH अभी बचा हुआ है, ठीक है, बन जाएगा बेटा OH बन जाएगा। बस समझ आ रही है? तो यही तो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट वही ये प्रोडक्ट है। उम्मीद है मैं तुम्हें तो यानी कहने का मतलब है कि ये बिना बुझा चूना हमने जल मिला दिया, ये क्या बेटा? जल H2O जल का सूत्र है, तो ये क्या बन गया आपका बेटा? बुझा हुआ चूना बन गया या चूने का पानी बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए एक बार मैं और आपको नॉलेज के लिए बताता चलो इसमें, कि देखिए बेटा महिलाएं या पुरुष जो आपने देखो पान खाते हैं, क्या बताइए बेटा? पान खाते हैं, पान पे वो चूना लगाते हैं, कहलाते बेटा चूना। तो आप मुझे बताइए कि पान पे जो चूना लगाया जाता है वो बुझा चूना होता है कि बिना बुझा चूना होता है?
आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल वेट करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। मेरा आपसे एक बार फिर से सवाल ये है कि जब पान खाया जाता है बेटा, पान खाते हैं ठीक है महिला या पुरुष, तो जब पान पर चूना लगाया जाता, चूने का जब पेस्ट लगाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि वो जो पेस्ट होता है वो भुजे हुए चूने का पेस्ट होता है कि बिना भुजे चूने का होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए कि वो भुजा चूना होता है कि बिना भुजा चूना होता है। रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ से समझ जाऊँगा, या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, यहाँ पर समझ जाऊँगा कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है, और मैं इसका सही आंसर आपको जब भी रिप्लाई करूँगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा अगला, सिरका। सिरके का सूत्र क्या, देखिए खटाई में पढ़ा जाता है ना, अब तो आमी का वैसे भी सीजन चल रहा है, खटाई पड़ेगी ठीक है, तो क्या मिलता है उसके अंदर, सिरका मिलाया जाता है सिरका। तो सिरका का सूत्र रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा, एसिटिक अम्ल होता है। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, CH3COOH, CH3COOH, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिरका, सिरका का जो रासायनिक नाम होता है वो कहता है बेटा एसिटिक अम्ल होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3COOH होता है, ठीक है स्टैंड। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए लाल सिंदूर, लाल सिंदूर ठीक है, जो सिंदूर जो मांग भरने काम में आता है स्टैंड, ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, उसका सूत्र क्या होता है लाल सिंदूर का, तो लाल सिंदूर का सूत्र होता है बेटा PB3O, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है बेटा, PB3O होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, लेड परऑक्साइड, क्या है, लेड परऑक्साइड। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी लाल सिंदूर का जो रासायनिक नाम है क्या बेटा, लेड परऑक्साइड है, और रासायनिक सूत्र क्या, PB3O है, O4 है डिस्टेंट, ठीक है, PB3O4। चलिए बात करते हैं आगे, देखिए शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, अब देखिए शुष्क बर्फ होती क्या है, रासायनिक सूत्र हम बाद में बताएंगे ठीक है, रासायनिक नाम भी बताएंगे, लेकिन शुष्क बर्फ होती क्या है। देखिए बेटा आपने अधिकांश सभी लोगों ने, मैं स्टैंड की बात कर रहा हूँ या सभी विद्यार्थी बात कर रहा हूँ, कि सभी ने मूवियाँ बहुत देखी हैं, है ना, सबको मूवी का बहुत शौक होता है, फिल्म देखने का बहुत शौक होता है, तो कभी कभी एक आपने ऐसा सीन मूवी के अंदर देखा होगा कि हीरो या हीरोइनी ठीक है किसी एक ऐसे स्थान से निकल के आती है, एक ऐसा प्लेस होता है ठीक है, जो ऐसा इलाका है जैसे स्वर्ग जन्नत, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे निर्भाव से उड़ती रहती है और भाव में से आगे निकल के आता है, जैसे कितना धुआं धुआं सा उड़ता है, बस में आ रही है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हीरो या हीरोइन जब एक्टिंग करते हैं बेटा, तो कुछ सीन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है जैसे कितने धुआं वहाँ पे निकल कर आ रहा है, जैसे वहाँ पे भाप निकल कर आ रही है, धुएं जैसे उड़ती है ना, और उसके अंदर से एंट्री करता है, बस में आ रही है कि मेरी बात नहीं आ रही है। तो वो जो उड़ती हुई आपको धुएं जैसी जो दिखाई देती है बेटा, वो क्या होती है, शुष्क बर्फ होती है। क्या होती है बेटा, वो शुष्क बर्फ होती है, जो शूटिंग करने में फिल्मों में दिखाई जाती है आप लोगों को, ठीक है, वहाँ पर कोई धुआं नहीं होता, वो शुष्क बर्फ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, CO2 बोलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कौन सी गैस होती है बेटा, वो CO2 गैस ही होती है, कोई नई गैस नहीं होती है स्टैंड, ठीक है। तो याद रखें स्टैंड, देखिए मैं बता रहा हूँ, शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, याद रखें, कई बार अच्छा, कई बहुत अच्छा सवाल है बेटा कि जो शुष्क बर्फ होती है उसका सूत्र क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है स्टैंड, ठीक है। तो आप लाइफ में कभी अगर आपसे चांस मिले तो आप देखना एनालिसिस करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्म में कई सीन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बहुत धुआं सा उठता हुआ दिखाई देता है ना, बात समझ में आ रही है, तो वो होता क्या है, धुआं नहीं होता है, किसी का गैस नहीं होती, कौन सी गैस होती है स्पेशल, तो CO2 गैस होती है बेटा, कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं बेटा खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा जब छोले भटूरे बनते हैं आप लोगों घरों में, है ना, बात समझ में आ रही है, मुंह में पानी आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत लालची हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि छोले भटूरे के अंदर या फिर जो छोले बनते हैं स्पेशल छोले, तो उसको गलाने के लिए क्या डालते हैं बेटा, सोडा डालते हैं, बारे व्हाइट कलर का क्या होता है, पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, तो उसका जो सूत्र होता है बेटा क्या होता है, NaCO3, क्या होता है बेटा, NaCO3, उसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका, खाने का सोडा, क्या रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र क्या है बेटा, NaHCO3, ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ मैं एक सूत्र और बता रहा हूँ, धावन सोडा यानी धोने का सोडा, सर्फ जिसकी बात करते हैं, सर्फ जिसे कपड़े धुलते हैं बेटा, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और N2 में 10H2O भी लगा होता है, जिसे डेकाहाइड्रेट कह देते हैं, जिसके अंदर जल के 10 अणु होते हैं, यानी धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, मैं लिख देता हूँ धावन सोडा का सूत्र, जो बच्चे लिखना चाहें, क्या होता है देखिए, Na2CO3 और × 10H2O, यानी इसके अंदर जल के 10 अणु रहते हैं स्टैंड, कितने अणु रहते हैं बेटा, 10 अणु रहते हैं, उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये धावन सोडा का सूत्र मैंने बताया, जबकि मैंने यहाँ पे किसका बताया था, खाने का सोडा, क्या होता, क्या नाम इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका क्या था, धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसके लिए 10 के लिए और डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऐसे बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र क्या है, NaCO3, ठीक है स्टैंड। अच्छा बात करते हैं आगे,
आगे क्या देखिए, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी आप लोगों ने ब्लीच कराई चेहरे पे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र था वो क्या होता है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र था बेटा वो क्या होता है, होता है आपका CaOCl2। उसका जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है बच्चों, इस बात को याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं। सूत्र क्या है, CaOCl2। रासायनिक नाम क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रासायनिक सूत्र क्या बेटा, CaOCl2। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई है। बात करते हैं आगे, अंगूर का रस। अंगूर सभी ने खाया, ग्रेप्स है ना, उसके अंदर जो अंगूर के अंदर रस होता है वो लिक्विड जो होता है, गाढ़े कलर का लिक्विड है ना रस, आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो उसका जो सूत्र होता है, उसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब ये सोच रहे जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले होती है तो ग्लूकोज है, तो बाईस रियल में ग्लूकोज ही होता है। बस में आ रही है, अंगूर के रस को ग्लूकोज ही कहा जाता है, मैंने देखा भी है। रासायनिक नाम क्या होता है, ग्लूकोज। बस में आ रही है मेरी बात, यानी अंगूर का जो रस है उसका रासायनिक जो नाम है वो क्या बेटा, ग्लूकोज ही है। क्या बेटा, ग्लूकोज, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा 10th में 9th में 11th में 12th में, ठीक है। और रासायनिक सूत्र क्या है उसका, C6H12O6। अच्छे से आप इसके बारे में तो परिचित ही होंगे स्टूडेंट, ठीक है। एनर्जी बढ़ाने का काम करता है ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यूरिया। यूरिया, अब यूरिया का सूत्र अधिकांश छात्रों को पता होगा, NH2CO NH2 होता है। लेकिन यूरिया का रासायनिक नाम बहुत से छात्रों को नहीं पता, कि यूरिया का सूत्र तो पता है लेकिन यूरिया का रासायनिक नाम क्या, आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है। देखिए यूरिया ये रहा आपका, देखिए यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या बेटा, कार्बामाइड है। क्या बेटा, कार्बामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद कर लेना। यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो कार्बामाइड होता है, और सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। और ये भी कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो यौगिक है वो यूरिया ही है। पहला जो सर्वप्रथम बनाया गया था प्रयोगशाला के अंदर, वो जो यौगिक था उस यौगिक का क्या नाम था, क्या था बेटा, यूरिया था, ठीक है। रासायनिक नाम क्या इसका, कार्बामाइड है। और रासायनिक सूत्र बात करते हैं तो NH2CO NH2, ठीक है। बात करता हूँ मेरी आता क्वेश्चन में आई होगी, ठीक है। बात करते हैं फिटकरी। फिटकरी क्या है, देखिए फिटकरी जो बहते खून को रोकने के लिए यूज होती है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, और देखिए फिटकरी का जो नाम है रासायनिक क्या, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पोटेशियम, कैसे लिख रहे हैं हम, देखिए पोटेशियम यहाँ पे तो कह देंगे ना, पोटेशियम Al से मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जिसको पोटास Al भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है बेटा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज होता है। यहाँ पे 3 लगाना भूल गए, माफ कीजिएगा, एक बार फिर समझें। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। यानी इसके अंदर इस 24H2O का मतलब क्या, फिटकरी के अंदर जल के 24 अणु होते हैं, बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ में आ रही होगी। तो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, और इसका जो रासायनिक सूत्र बेटा बेटा क्या, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज है, और इंटू 24H2O है। इस 24H2O का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जल के 24 अणु हैं। जैसे यहाँ पे मिलेगा ना 10H2O, यानी धावन सोडा में इसके अंदर क्या जल के 10 अणु होते हैं। बात समझ में आ रही है, जब भी इस टाइप की कंडीशन आपको दिखाई दे 10H2O या 2H2O या 24H2O, इसका मतलब है कि उतने अणु जल के उतने अणु उस यौगिक के अंदर हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा बेटा, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेते कर आता रहता हूँ। तो बेटा, तो आप लोगों ने मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटा, तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, हो सकता है कि मैं आपको जानकारी देने में सफल रहा हूँ, और ऐसा हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।